नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में रहे नाकाम। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से बेखबर है स्वास्थ्य विभाग। आगरा थाना सागन क्षेत्र के वैक्सीन सेंटर, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दादे वाली गली के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धज्जियां। वैक्सीन लगवाने आए हुए व्यक्तियों ने बताया कि सुबह 10 बजे से लगनी थी वैक्सीन, लेकिन 11 बजे से वैक्सीन लगना शुरू किया गया। वैक्सीन लगने के दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाए। मीडिया के कैमरे देखने के बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों से अपील की कि वह 6-6 इंच का फासला बनाकर रखें। आखिर बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन लगवाने आए हुए लोगों में से यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण हुआ तो कोरोना बढ़ने का खतरा और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस प्रशासन के वह पुलिसकर्मी जो वैक्सीन सेंटर पर तैनात थे? सुबह से घंटों की लाइन में लगे लोग परेशान हो रहे थे। 2-3 घंटे में स्वास्थ्य विभाग मात्र 16 लोगों को वैक्सीन लगा पाया। जिस प्रकार जनपद आगरा में कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, या वो पुलिसकर्मी हों या स्वास्थ्य विभाग कर्मी हों, कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक ताज़ा मामला थाना सागन क्षेत्र के नरीपुरा पर देखने को मिला है, जहां वैक्सीन नगरी स्वास्थ्य केंद्र पर लगाई जा रही थी, वहां भीड़ भाड़ का बड़ा जमावड़ा था। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे, फिर भी उसके बावजूद भी वैक्सीन का कार्य चल रहा था। लोगों से अगर जानकारी की गई तो लोगों ने बताया है कि 10 बजे से वैक्सीन चालू होनी थी, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी 11 बजे वहाँ उपस्थित हुए, इसके चलते काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। पुलिस वहाँ देखती रही, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लॉकडाउन का पालन कराना नहीं समझ पाई। मेरा विनय वर्मा नाम है और मैं 9:30 बजे से आया हूँ वैक्सीन लगाने के लिए। हमारा स्लॉट 10 बजे से था। आपका कौन सा नंबर है? मेरा इसमें अभी 16 नंबर है। अभी 16 नंबर अभी आने वाला है, फॉर्म भरवा दिया है इन्होंने 9:30 बजे से। लेकिन यहाँ ये लापरवाही मिली है कि 10 बजे से वैक्सीन स्टार्ट हो जाना चाहिए लगना, लेकिन वो नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी भीड़ हो गई और COVID-19 का कोई पालन नहीं हो पाया। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ सैनिटाइज वगैरह कुछ नहीं, ऐसी कोई बात व्यवस्था नहीं है। ऊपर से यहाँ इतनी भीड़ हो गई है, कंजस्टेड गली भी है। यहाँ टाइम से मतलब वैक्सीन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी 10 बजे से। आपको क्या लगता है, 11 बज रहे हैं, इतने लोगों की भीड़ में, क्या ये सब लोगों की कंप्लीट कर पाएंगे आज? अब मुझे तो नहीं लगता है कैसे अपनी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी 11:30 बज चुके हैं और अभी 10-12 लोगों को वैक्सीन लग पाई है, क्योंकि इन्होंने 11 बजे से स्टार्ट किया है। अगर ये 10 बजे से स्टार्ट करते तो हो सकता है 50% 15-20 लोगों को लग चुकी होती पहले से। एक घंटा लेट मतलब स्टार्ट किया है, आए नहीं आए ये तो खैर हमें जो नहीं पता है, क्योंकि मैं तो लगाई हुआ था लाइन में। लेकिन इसकी वजह से, लेट लगने की वजह से इतनी भीड़ सारी इकट्ठी हो गई, जो COVID-19 के बिल्कुल लगन है। अब इसमें से हो सकता है कोई कोरोना वाला पेशेंट भी हो या उसे कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह की स्थितियां ना पैदा हों। स्वास्थ्य विभाग और यहाँ के प्रशासन से मेरा यही अनुरोध करना है कि वो जो वैक्सीन का स्लॉट दिया गया, उस स्लॉट के अकॉर्डिंग कम से कम वैक्सीन स्टार्ट तो हो जाए लगना, जिससे कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो। और यहाँ और जगहों की अपेक्षा यहाँ मुझे थोड़ा सा जो प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग की है वो लापरवाही दिख रही है।